कैलाश पर्वत। यह अद्भुत स्थान अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे हुए है। अनेक पुराणों में इसका वर्णन मिलता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस पर्वत के पास कुबेर की नगरी है और यहीं से महाविष्णु के कर कमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है, जहां से भगवान शंकर उन्हें अपनी जटाओं में भरकर धरती पर प्रवाहित करते हैं। ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ग और नीचे में मृत्यु लोक यानी नर्क स्थित है। खैर, ये बात धर्म की है और आस्था से जुड़ी हुई है, लेकिन इस वीडियो में हम आपको इसी कैलाश पर्वत से जुड़ी 10 बातों को बताएंगे, जिन्हें जानकर आप भी आश्चर्य से भर जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो भी देख पाओ। फैक्ट नंबर 10। हमारी पृथ्वी के दो ध्रुव हैं, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, और दोनों के बीच स्थित है हिमालय, और हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत। इस तरह से वैज्ञानिकों के अनुसार यह धरती का भी केंद्र है। साथ ही साथ यह पर्वत 4 मुख्य धर्मों हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म का भी केंद्र है। फैक्ट नंबर 9। यह एक ऐसा भी केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी का मतलब है दुनिया की आकाशीय और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र, जहां दसों दिशाएं भी मिल जाती है। रसिया के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वह जगह है जहां अलौकिक शक्तियों का प्रवाह होता है। फैक्ट नंबर 8। आमतौर पर एवरेस्ट और अन्य शिखर पर काफी लोग चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन कैलाश पर कोई नहीं चढ़ सकता। परंतु 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध मिलेरपा ने इसकी चढ़ाई की थी, लेकिन मिलेरपा ने भी इसके बारे में कुछ नहीं कहा, जो एक रहस्य बन गया। फैक्ट नंबर 7। यहाँ दो रहस्यमयी सरोवर यानी कि झील मौजूद है, मानसरोवर और राक्षस झील, जिसमें एक का पानी मीठा और दूसरे का पानी खारा है। ये दोनों झीलें सौर और चंद्र बल के साथ साथ सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा को प्रदर्शित करती है। इन झीलों को दक्षिण से देखने पर स्वास्तिक की आकृति दिखाई देती है। यह एक रहस्य है कि ये झीलें प्राकृतिक रूप से बनी है या इन्हें बनाया गया था। फैक्ट नंबर 6। हिमालय में बहुत से पर्वत चोटियां हैं, लेकिन ज्यादातर नदियां इसी कैलाश से निकली है। इस पर्वत की 4 दिशाओं में 4 नदियों का उद्गम हुआ है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज और करनाली नदी, और फिर इन्हीं नदियों से गंगा और चीन जाने वाली अन्य नदियां भी निकली है। चारों दिशाओं में विभिन्न जानवरों के मुख हैं जिनसे ये नदियां निकलती है। पूर्व में अश्वमुख, पश्चिम में हाथी का मुख, उत्तर में सिंह का मुख और दक्षिण में मोर का मुख है। फैक्ट नंबर 5। ऐसा माना गया है कि कैलाश में सिर्फ पुण्यात्माएं ही निवास करती है। कैलाश के वातावरण पर रिसर्च कर चुके रसिया के वैज्ञानिकों ने जब मंदिर के धर्म गुरुओं से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि कैलाश के चारों ओर अलौकिक शक्तियों का प्रवाह है, और तपस्वी आज भी टेलीपैथिक विधि से आध्यात्मिक गुरुओं से संपर्क करते हैं। फैक्ट नंबर 4। हिमालय के निवासियों का कहना है कि हिमालय में यति मानव या हिम मानव छिपकर रहता है, जो कि आदमखोर होता है, और विश्व भर के करीब 30 से ज़्यादा वैज्ञानिकों ने भी इस बात का दावा किया है। फैक्ट नंबर 3। यदि आप इस क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ निरंतर एक आवाज़ सुनाई देगी। यह आवाज़ डमरू या फिर ओम के ध्वनि की जैसी होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है यह आवाज़ बर्फ पिघलने या प्रकाश और ध्वनि के बीच अभिक्रिया के कारण उत्पन्न होता है, लेकिन वहीं इसे भगवान शिव से भी जोड़कर देखा जाता रहा है। वैसे इस बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 2। दावा किया जाता रहा है कि कई बार एक खास तरह की रोशनी कैलाश पर्वत के ऊपर निकलती दिखाई देती है। विज्ञान आज भी इसका कोई ठोस उत्तर नहीं दे पाया है।
अब बढ़ते हैं अंतिम फैक्ट की ओर। फैक्ट नंबर वन, दुनिया का सबसे दुर्लभ मृग कस्तूरी मृग यहाँ पाया जाता है। इस मृग की कस्तूरी बहुत ही सुगंधित होती है और औषधीय गुणों से युक्त होती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ऐसे ही और भी वीडियो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।